राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गंगा और यमुना दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आर्यवर्त में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा भी अपनी प्रजा के हर दुख सुख का ध्यान रखता था, उनकी हर जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। राजा बहुत ही दयालु था। राजा की जो रानी थी वह भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रानी राजा बहुत ही अच्छे थे और प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। वे भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान प्रेम करते थे। राजा रानी के राज्य में चारों तरफ खुशहाली छाई हुई थी, लेकिन राजा को एक ही दुख था। राजा रानी दोनों उसी दुख के कारण दुखी रहते थे, क्योंकि अभी तक राजा के महल में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। प्रजा भी अपने राजा के लिए दुआएं करती थी कि हमारे राजा के महल में भी कोई बच्चा जन्म ले। लेकिन राजा ने बहुत कोशिश की, बहुत वैद हकीमों से रानी का इलाज कराया, लेकिन रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। थक हार कर राजा ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जब ईश्वर चाहेंगे तब उनके राजमहल में किलकारी गूंजेगी। राजा बहुत दयालु था। राजा के महल में जो भी साधु संत ब्राह्मण आता, राजा उनकी आदर सत्कार करता और यथासंभव उन्हें दक्षिणा देकर विदा करता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई। अकाल की नौबत आ गई। लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपने जो भंडार खोल दिए, जिससे कि प्रजा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रजा दोनों हाथ उठाकर राजा को दुआएं देती कि ऐसा राजा भगवान सबको दे, हमारे प्रभु हमारे राजा का दुख दूर करें, उन्हें एक संतान का सुख अवश्य दें। राजा के महल में एक साधु आया। राजा रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की। राज साधु ने प्रसन्न होकर रानी को एक फल दिया और कहा कि यह फल खाने से रानी गर्भवती हो जाएगी और भगवती की कृपा से रानी को एक सुंदर कन्या जो प्राप्त होगी, यानी सुंदर कन्या का जन्म होगा। रानी ने वह फल खा लिया और रानी गर्भवती हो गई। अब राजा के राज्य में अकाल की नौबत थी। राजा बड़ा चिंतित रहता था। धीरे धीरे समय बीता। रानी के प्रसव का समय आ गया और जो राज्य की प्रजा थी वह भी जो अकाल के कारण दुखी थी, क्योंकि जो भी फसलें बोई जाती वो सब बिना पानी के नष्ट हो जाती थी। सूखा पड़ गया था बिल्कुल। राजा के भंडार भी अब खाली होने को हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे राजा ने जो अपनी प्रजा का काम चला रहा था, प्रजा भी अपने राजा को छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं गई। उन्हें भी अपने राजा पर विश्वास था। अब रानी को प्रसव वेदना शुरू हुई। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही रानी ने कन्या को जन्म दिया, काले काले बादल उमड़ने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोगों ने खुशी मनाई और राजा के यहाँ कन्या होने की खुशी में जश्न होने लगा। लेकिन यह जश्न कुछ ही देर का था, क्योंकि कन्या को जन्म देने के बाद रानी भगवान को प्यारी हो गई। अब राजा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी कन्या को जब गोद में लेकर देखा तो वह बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही प्यारी थी। राजा ने अपनी रानी की निशानी समझकर उस कन्या को अपने सीने से लगा लिया और उसे पालने लगा। लेकिन अकेले राजा को जो छोटी सी राजकुमारी को पालना उसके बस की बात नहीं थी। अगर राजा कन्या को पर ध्यान देता तो राजकाज कौन चलाता।
इसलिए राजा ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को अपनी कन्या को सौंप दिया और धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी जो दासी की देखरेख में। प्रजा भी बहुत कन्या को आशीर्वाद देती थी, क्योंकि कहते हैं कि माँ तो उसकी नहीं रही, लेकिन जब कन्या पैदा हुई थी तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई जो राज्य के लिए बहुत ही गुणकारी थी। राज्य के लोगों की फसलें बोई गई और जो पानी की कमी थी वह सब पूरी हो गई, अन्न धन के भंडार लग गए। इसलिए उस कन्या का नाम गंगा रखा गया कि गंगा ने जन्म लिया है। वह थी भी बहुत ही मासूम सुंदर सी प्यारी सी कन्या थी। लेकिन अब राजा के जो मंत्रीगणों ने आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपकी पत्नी की आपको आवश्यकता है और आपकी बेटी के लिए माँ की आवश्यकता है। राजा ने मना कर दिया, कह दिया वह अपनी बेटी के लिए कुमाता नहीं लाना चाहता, क्योंकि वह अपनी बेटी की देखभाल खुद कर लेगा। लेकिन जब सबने समझाया तो राजा को भी लगा कि हाँ उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, आखिर दासी के भरोसे वो कब तक अपनी कन्या को छोड़ेगा। लेकिन दासी जो राजकुमारी को बड़े प्यार से रखती थी, बिल्कुल माँ के जैसे प्रेम करती थी, माँ तो वो उसकी नहीं थी लेकिन माँ से ज्यादा ही बढ़ के उसे प्यार करती थी। देखो माँ तो माँ ही होती है लेकिन पालने वाला भी माँ से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वह दासी थी, लोगों की नजरों में तो दासी थी चाहे वो कितना भी प्यार करती। यही सोचकर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी महल में आ गई। राजा अपनी राजकुमारी को सीने से लगा कर रहता, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दूसरी रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि राजा उसे अनदेखा करके अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है। अब रानी मन ही मन गंगा से बैर रखने लगी। वह राजा के आगे तो गंगा को बहुत प्यार दिखाती थी लेकिन वह उससे मन ही मन बहुत नफरत करती थी। लेकिन दासी की देख रेख में जो गंगा पल रही थी, गंगा को जो दासी में ही माँ नजर आती थी, अब धीरे धीरे गंगा बड़ी होने लगी, माँ का मतलब वो समझने लगी। लेकिन रानी में तो उसे माँ कहीं नजर नहीं आती थी, रानी तो बस उसे डांट फटकार दिया करती थी, लेकिन दासी उसे बहुत प्रेम से रखती थी। इधर रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम जमुना रखा गया। अब रानी अपनी बेटी जमुना पर ज्यादा ध्यान देने लगी और दासी गंगा पर ध्यान देने लगी। गंगा धीरे धीरे बड़ी हुई तो वह महाभगवती और भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, बहुत ही भोली थी। सारे नगरवासी गंगा को बहुत प्रेम करते थे, गंगा अपनी बहन जमुना को भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन रानी जमुना से गंगा को हाथ नहीं लगाने देती थी। अब गंगा 3 साल की हो गई और जमुना भी थोड़ी बड़ी हो गई। अब दोनों बहनें आपस में खेलती तो रानी गंगा को जमुना के साथ नहीं खेलने देती थी। यह बेचारी दासी देखती लेकिन कह भी क्या सकती थी। वह गंगा को बहुत डांटती डपटती और घर के कामों में भी उसे लगाने की कोशिश करती तो दासी कहती, रानी साहिबा हम तो हैं काम करने के लिए, आप राजकुमारी को क्यों कह रही हो। लेकिन जब वो रानी दासी को डपट देती तो दासी बेचारी चुप हो जाती, क्योंकि वो थी तो दासी ही, उसे क्या जवाब देती। अब दासी का जब उसने देखा रानी ने कि गंगा के प्रति इसका बहुत प्यार बढ़ गया है, तो उसने उस दासी को वहां से हटवाने की सोची और राजा से शिकायत कर दी कि यह गंगा का सही से ख्याल नहीं रखती है, इसलिए इसे हटा दो। राजा तो गंगा के बारे में तब तक कुछ सुनता ही नहीं था, उसने तुरंत दासी को हटा दिया। अब बेचारी गंगा को जब माँ की कमी महसूस होती तो वह दासी को ढूंढती, लेकिन दासी वहां नहीं थी और सौतेली माँ तो उसकी सौतेलों से भी बुरा व्यवहार करती थी। अब धीरे धीरे गंगा 6 साल की हो गई और जमुना भी 3 साल की हो गई। अब धीरे धीरे दोनों बढ़ रही थी और स्कूल जाने के लायक हो गई। जब राजा ने उनके लिए विद्यालय में जो उन्हें
शिक्षा दिलाने के लिए सोचा तो रानी ने कहा कि गंगा को शिक्षा दिलाने की क्या जरूरत है, आप जमुना को दिलाइए। राजा बोला रानी से कि ऐसी क्या बात है। तब रानी ने पूरा त्रिया चरित्र बखेड़ दिया और अब राजा भी रानी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि राजा अपनी एक रानी को खोकर देख चुका था। अब राजा का भी मन धीरे धीरे गंगा से उछटने लगा था। अब वह रानी और जमुना पर ज्यादा ध्यान देता। बेचारी गंगा अपने को अकेला महसूस करती और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मुझे मेरी माँ मिला दे, लेकिन माँ मिलना कहाँ उसके नसीब में था। अब धीरे धीरे गंगा और बड़ी हुई। अब उसे रानी घर के काम कराती और गौशाला में गाय के गोबर पानी के लिए उसे भेज देती कि गौशाला में जाकर गऊओं की देखभाल करे। पहले का समय ऐसा था कि जानवर भी आपस में बातें किया करते थे, तो अब जो गंगा गौशाला में जाती और एक काली गाय की बहुत ही सेवा करती। गाय भी गंगा को देखकर बहुत पूंछ हिलाती थी। गंगा उसे माँ कहती तो वह भी अपनी जीभ से उसे चाटती और बहुत प्यार करती। गंगा अपनी सारी बातें जो गाय से कहती, गाय भी उसे बिल्कुल बेटी मानती। गंगा जो कहती गाय वही करती। गंगा कहती गाय से कि माँ, मेरा तो कोई माँ नहीं है, आज से आप ही गऊ माता हो तो मेरी माँ हो। तो गऊ माता भी कहती, हाँ गंगा मैं तेरी माँ हूँ। और जब गंगा को भूख लगती तो गाय का दूध पी लेती। गंगा का दिल करता कि मुझे तो कहीं घूमना है, तो एक बार गऊ माता ने कहा, गंगा तू बहुत कहती है कि तुझे घूमना है, चल आज मैं तुझे दूसरे लोक की सैर करा के लाती हूँ। गंगा ने से जो गऊ माता बोली, एक काम कर तू मेरी पूँछ पकड़ ले। और गंगा ने उसकी पूँछ पकड़ ली और गऊ माता उसे जो दूसरे लोक में ले गई, गोलोक में ले गई और वहाँ घुमा कर लाई। वहाँ सब चीज़ों की सुविधा थी। गंगा तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब वह कहने लगी गऊ माता से कि गऊ माता हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। इस पर गऊ माता ने कहा, नहीं गंगा, यहाँ पर जिंदा होकर लोग नहीं आते, यह तो तू मेरे कारण आ गई है, इसलिए मैं तुझे गोलोक दिखाने लाई थी। यहाँ लोग मरने के बाद ही आते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो गोलोक या अन्य लोकों में जाते हैं, जिनके बुरे कर्म होते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। ऐसे गौ माता ने गंगा को समझाया और उसे लेकर आ गई। अब तो गौ माता और गंगा की बहुत पटती थी। वह सारे दुख सुख अपने गौ माता से कहती और गौ माता भी उसके एक साथी की तरह उसका साथ निभाती। अब गंगा के दिन अच्छे से बीत रहे थे। लेकिन जब सौतेली माँ ने देखा रानी ने कि गंगा तो अब वहां भी खुश है, तो वह समझने लगी जरूर यह गायों से बात करती और इसका और गायों की अपेक्षा जो काली गाय है उससे ज्यादा लगाव है। तो जो रानी थी उसने राजा से कहा, राजा साहब आप एक काम कीजिए, यह काली गाय अब दूध कम देती है, इसलिए इसे बेच दीजिए या इसे कसाईयों के हाथ बेच दीजिए। अब यह सुनकर गंगा रोने लगी। वह सोचने लगी, यही तो दासी के बाद अब मेरी माँ थी, इसको भी जो मेरी रानी माँ छीन लेगी तो मैं कैसे रहूँगी। अब गंगा बेचारी बड़ी दुखी थी, लेकिन वो गाय माता भी जो कहते हैं ना सत था पहले, तो गऊ माता ने कहा, रो मत गंगा, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, तूने मुझे माँ माना है और मैंने तुझे बेटी माना है। देख कसाईयों के यहाँ तो मैं जाने से रही, कसाई तो न जाने मेरे साथ क्या करेगा, मेरी चमड़ी उतार लेगा, तो मैं ऐसा दुख तो नहीं भोगूंगी, लेकिन अगर रानी ने ठान लिया है तो वह यह काम करके जरूर रहेगी। इसलिए गऊ माता ने गाय जो गंगा थी उसको गले से लगाया और दोनों ने खूब अपना आखिरी मिलन किया और गऊ माता ने गंगा के गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। गंगा बहुत रोई, जैसे तैसे करके राजा उसे ले आया। अब गंगा बहुत उदास रहती थी, ना किसी से ज़्यादा हंसती ना बोलती, बस अपने भगवान की पूजा करती, जो काम करने होते उन्हें करती। गंगा अपनी बहन जमुना से भी बहुत प्यार करती थी, जमुना भी अपनी बहन गंगा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन माँ के डर के मारे जमुना कुछ बोलती नहीं थी। अब दोनों बहनें शादी योग्य हो गईं।
तो रानी ने कहा कि इसके लिए कोई जो काना लंगड़ा लूला जो भी मिले उसके लिए वर ढूंढो। राजा ने कहा, देखो रानी, यह भी मेरी बेटी है, इसके लिए भला मैं ऐसा कैसे वर ढूंढ सकता हूँ? सारा समाज क्या कहेगा, प्रजा क्या कहेगी? लेकिन रानी नहीं मानी और बोली, मेरी जमुना के लिए अच्छे से खानदान में बड़े चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ मेरी जमुना का विवाह करो। राजा बोला, ठीक है। अब राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि जैसा मैंने बताया है ऐसा वर ढूंढ के आओ। अब नाई और ब्राह्मण जो वर ढूंढने के लिए चल दिए गंगा के। गंगा तो अपनी आत्मा की बड़ी पवित्र थी, भगवती माता भगवान शिव की बड़ी उपासक थी, वह उनको ही पूछती थी। उधर जब पार्वती माता भगवान शंकर से बोली कि हे शंभुनाथ, देखिए यह हमारी कितनी पूजा करती है, फिर भी इसके लिए आपने इसका कैसा भाग्य लिखा है? तो भगवान से बोले, देखो पार्वती, सबका अपना अपना नसीब है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको यह जीवन जीना होता है। लेकिन पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, अगर हम किसी की जो सहायता नहीं करेंगे, किसी की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो हमें संसार में कौन मानेगा? तब शंकर भगवान बोले, पार्वती तुम चिंता मत करो। उधर भगवान शंकर की कृपा से एक राजकुमार अंधा लंगड़ा लूला बनकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह तो अपने राज्य के का गुप्तचर बनके दूसरे राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए बैठा था, ताकि कोई उसे पहचान न ले। तभी नाई और ब्राह्मण उसके पास पहुंचे और बोले, क्या तुम हमारे राजा की लड़की के साथ शादी करोगे? वह बोला, राजकुमार की देखो, मैं तो लंगड़ा लूला हूँ, आँखों से भी मुझे बहुत कम दिखाई देता है, मुझसे भला कौन विवाह करेगा? तब वह कहने लगे, नहीं, हमारे राजा की लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप चाहो तो उन्हें ऐसे ही वर की तलाश है। उस राजकुमार ने कह दिया कि भला मुझे क्या ऐतराज है, लेकिन उसने अपना सही परिचय नहीं दिया, वह एक गरीब और भिकमंगा बनकर ही उनसे मिला। और उधर जमुना के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार का जो रिश्ता किया गया, तो रानी बोली, अब रिश्ता तो हो गया है, लेकिन दोनों की बारात भी समय पर आनी चाहिए। गंगा की बारात में सिर्फ 5 लोग आएंगे और मेरी जमुना की बारात में तो जो ऐसी आए कि जो आसपास के राज्यों में भी पता चल जाए कि देखो बारात क्या होती है। राजा बोला, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो कहानियाँ हैं। और राजा ने जो रानी की बात मान ली, रानी अनशन पार्टी लेकर पड़ गई, या तो मेरी बात मानो नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब जो राजा ने उसकी बात मान ली, अब वह जो राजकुमार था लंगड़ा लूला बना हुआ था, और उधर जो चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ से बारात चल दी। अब जो महादेव जी सोचने लगे, अभी 5 आदमी कौन जाएंगे बारात में? अब वो राजकुमार भी परेशान था, अंधा लंगड़ा लूला भला कौन उसकी बारात में जाएगा? अब भगवान भोलेनाथ ने जो कहा कि ठीक है, हम ही इसकी बारात में चलते हैं। भगवान शंकर, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, गणेश जी और नारद जी, 5 भेष बदल कर आ गए और उसकी बारात में शामिल हो गए। अब वो बारात लेकर गंगा के द्वार चले गए। उधर चक्रवर्ती राजा जो सम्राट था उसके बेटे की बारात आई राजकुमार की, तो वो तो दूर से ही ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी। लग रहा था कि हाँ भाई, आज तो कोई बारात चढ़ रही है, बड़े दूर दूर तक आवाजें जा रही थी। और इधर बेचारी गंगा की सादे तरीके से ही विवाह हो गया, और ना कोई जो तामझाम था ना ही कोई रौनक थी। लेकिन गंगा ने मान लिया, जहाँ मेरे माता पिता ने मुझको दिया है तो कुछ अच्छा ही सोच कर दिया होगा। वह खुशी खुशी विवाह के लिए राजी हो गई और उस कौड़ी लंगड़े लूले से उसने विवाह कर लिया। और इधर जमुना भी विवाह होकर विदा हो गई। दोनों बहन गले मिलकर रोई कि दोनों बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन जमुना भी कर क्या सकती थी, और गंगा भी अपने पति के साथ विदा हो गई। चलते चलते जो जहाँ राजकुमार कौड़ी बनकर बैठा हुआ था लंगड़ा लूला, उसी पेड़ के नीचे पहुँच गए।
जमुना गंगा बोली राजकुमार से कि हे नाथ, आपका तो कोई घर परिवार भी नहीं है, आपका तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूंगी। राजकुमार जो कौढ़ी लंगड़ा लूला बना हुआ था कहने लगा कि हे गंगा, तुम मेरी पत्नी बन के आई हो तो मेरा बसेरा तो इस पेड़ के नीचे ही है, इसलिए तुम्हें भी इस पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। गंगा बेचारी बड़ी पतिव्रता थी, कहने लगी नाथ, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूंगी, पति के चरणों में ही पत्नी का जो जीवन है। और इस तरीके की बातें करते हुए वो वहीं बैठ गई। अब भगवान शंकर बोले, यह तो मेरी अनन्य भक्त है, भला यह राजकुमार के साथ ऐसे कैसे रहेगी इस पेड़ के नीचे। तभी भगवान की माया से एक संदेश वहाँ आया और बोला राजकुमार से कि रानी की तबीयत खराब है और तुम्हें तुरंत महल बुलाया है। अब राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और गंगा को उसने घोड़े पे पीछे बैठा लिया। गंगा तो यह देखकर हैरान थी, वह ना तो लंगड़ा लूला था और ना ही अंधा बहरा और ना ही उसके कोई भी कोढ़ था। पांचों बाराती जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद जी और गणपति जी थे वो उनके साथ थे। वे बोले कि हमने बारात तक तुम्हारा साथ दिया है। राजकुमार ने कहा, आप बारात तक हमारे साथ रहे हो तो कम से कम मेरे घर तक भी चलो, मेरे माता पिता पूछेंगे कि हमसे बिना बताए ही तुमने विवाह भी रचा लिया, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ तो उन्हें इस चीज़ का जो दुख होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी और गणपति जी उसके साथ चल दिए। अब जब वो महल में पहुँचे तो राजा रानी ने जब इतनी सुंदर बहू देखी तो वो तो सारा गुस्सा भूल गए, क्योंकि गंगा थी बहुत खूबसूरत। अब उन्होंने जो रानी तो बड़ी खुश हो गई कि मेरे बेटे का विवाह हो गया, लेकिन वो थोड़ी नाराज भी हुई कि हमारे दिल के अरमान तो हमारे दिल में रह गए, हमने तो सोचा था अपने राजकुमार के विवाह में अपने सारे अरमान निकालेंगे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने राजा रानी को सारी बातें बताई तो रानी ने अपनी बहू गंगा का गृह प्रवेश कराया और अच्छे से उसे घर के अंदर ले गई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि साधारण रूप में थे और उन्होंने भी राजा रानी से आज्ञा मांगी और चल दिए। लेकिन जहाँ गणेश जी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आए हों, जहाँ उनके कदम पड़े हों, तो भला वहाँ किसी चीज़ की कमी कैसे रह सकती है। अब तो गंगा के आने से रानी का जो महल था और राजा का जो राज्य था और राजकुमार दिन दौनी और कहते हैं ना उन्नति करने लगे, अब तो उनका राज्य बढ़ता गया, राज्य में हर तरह से धन धान्य की वृद्धि होती गई। अब तो वे गंगा को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानते। अब गंगा भी अपने जो खुश थी कि चलो जो भी मेरे माता पिता ने सोचा अच्छा है, वो तो एक कौड़ी के और लंगड़े लूले के साथ आई थी, लेकिन यह तो उसका भ्रम था, वह तो राजकुमार था। अब गंगा को भी बहुत ही खुश रहती थी, अब उसने सबका दिल जीत लिया, पूजा पाठ करती और सब, क्योंकि गंगा में संस्कार ही इतने अच्छे थे। और कहते हैं कि दुल्हन कौन जो पिया मन भाए, और वह बहुत ही अच्छे से रहती और राजकुमार भी गंगा को बहुत प्यार करता। अब दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी थी। अब राजा और रानी भी अपने बेटे राजकुमार और बहू को देखकर बहुत खुश थे, अब उनकी भी सारी चिंता समाप्त हो गई थी। अब वे राजा को ने जो अपने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और कहने लगे, बेटा अब तुम राज्य का कार्य संभालो, अब हमसे इतना काम नहीं होता है। अब राजकुमार राजा बन गया। इधर धीरे धीरे जो पहला सावन आया, सावन का महीना आया तो तीज का त्यौहार आया, सब लड़कियां तीज के त्यौहार पे अपने मायके आईं। तो राजा ने कहा कि क्यों ना मैं भी अपनी दोनों बेटियों को ले आऊं। तो रानी कहने लगी, दोनों बेटियां जाओ और जमुना को ले आओ, गंगा का तो कोई अता पता है नहीं। तो राजा बोला, नहीं, मैं तो जो उसी पेड़ के पास जाऊंगा जहां से हमने उसको ब्याहया था, जो भी है मुझे उसे भी लाना चाहिए, आखिर उसका भी त्योहार है। अब राजा अपनी बेटी को लेने के लिए चल दिया। पहले वो जमुना को लेने गया, जमुना तो राजकुमार के साथ थी तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी बड़ी खुश है, लेकिन जमुना के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राजा ने उसे एक चक्रवर्ती सम्राट के घर में ब्याहया था, फिर भी जो जमुना वो खुश नजर नहीं आ रही थी। जमुना ने वहाँ कुछ नहीं बोला
और चुपचाप अपने पिता के साथ आ गई। अब राजा गंगा को लेने गया। अब गंगा को लेने जब वह उसी पेड़ के पास गया तो देखा वहां पर तो कुछ नहीं है। वहां किसी से पूछा कि यहाँ पे जो एक लंगड़ा लूला रहता था वो कहाँ है। तब किसी ने बताया कि वह लंगड़ा लूला नहीं था, वह तो उस राज्य का राजकुमार था और यहाँ पे अपने जो दुश्मनों के लिए जो गुप्तचर बन के बैठता था। अब तो राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, लेकिन मन ही मन राजा बहुत खुश भी हुआ कि चलो उसकी बेटी जो भी है अच्छे खानदान में गई है और राजकुमारी थी तो राजकुमार की पत्नी बनकर गई है। अब राजा के दिल से बोझ हट गया क्योंकि वह गंगा को तो बचपन से बहुत प्यार करता था, लेकिन रानी के सिकाए में आकर उसकी ममता ना जाने कहाँ खो गई थी। अब उसका बेटी प्रेम जागने लगा। राजा जल्दी से जल्दी गंगा के पास पहुंच जाना चाहता था। गंगा के वहां जब गया राजा तो गंगा को पता भेजा गया कि तुम्हारे पिताजी आए हैं। गंगा दौड़कर आई और अपने पिता के गले लग गई और देखा तो गंगा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गंगा के चेहरे की रौनक बता रही थी कि गंगा बड़ी खुश है। राजा उसे देखकर बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी ने अपने मायके में तो दुखी दुख देखा, लेकिन चलो ससुराल उसे बहुत अच्छी मिली। राजा रानी और राजकुमार से जो राजा ने कहा कि पहला त्योहार है तो इसे विदा कर दो, मायके जाना है। तो उन्होंने गंगा को जो खूब अच्छे से विदा किया, गंगा अपने मायके आ गई। जब रानी ने देखा कि गंगा तो बिल्कुल ही चहक रही है और उसकी तो देखने से उसकी तो रौनक ही अलग है, तो रानी तो जल बुन गई। ऊपर से जब राजा ने बताया कि हमने तो जो गंगा को एक कौड़ी के साथ ब्याह दिया था, लेकिन वह कौड़ी नहीं था, वह तो एक बहुत बड़ा राजा है और उसका बेटा था राजकुमार जो कि अब राजा बन गया है, और हमारी गंगा एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के घर में गई है जिसके आसपास के एरियाओं में उस राजा का बड़ा दबदबा है। यह सुनकर तो रानी और जल भुन गई कि इसके लिए तो खड्डा खोदा था लेकिन ये कैसे बच गई। लेकिन कोई नहीं, अब रानी और राजा जो दोनों बेटियां रहने लगी। लेकिन जमुना थोड़ी उदास रहती थी। एक दिन गंगा ने पूछा, जमुना बहन तुम क्यों इतनी उदास रहती हो, तुम तो देखो अच्छे घर में गई हो, राजा है फिर भी कोई कमी नहीं है। तब वह कहने लगी कि गंगा बहन, और गले लगकर रोने लगी। वह कहने लगी कि मुझे बता क्या बात है गंगा। कहने लगी बता जमुना बहन, तू मेरी छोटी बहन है, क्यों इतनी उदास रहती है। तब जमुना ने बताया, बहन मेरी माँ ने जो कर्म किए उनकी सजा मुझे मिल रही है। मेरी माँ ने मुझे वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट के घर में ब्याह दिया, लेकिन जो मेरा पति है वह एक नंबर का अय्यास और नशेबाज है, वो मेरी कोई कदर नहीं करता और मेरे सास ससुर का व्यवहार भी मेरी तरफ अच्छा नहीं है। वो लोग बात बात पर मुझे ताना मारते हैं और मुझे तो घर के कोई काम करने भी नहीं आते, और मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो मुझे वो मारते पीटते हैं, लेकिन मैं अपने पिता से कैसे कहूँ। गंगा बोली, कोई नहीं बहन, तू चिंता क्यों करती है, अब मैं आ गई हूँ, तू मेरे साथ बैठ और मैं तुझे सारे काम करने सिखाती हूँ, और तू काम करके उनका दिल जीत लेना और फिर वो तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। अब रानी तो बहुत जलती थी कि जमुना उसके साथ ना रहे क्योंकि वह तो गंगा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जमुना अपनी माँ से डरती नहीं थी। वो कह देती थी, क्या है माँ, मैं गंगा दीदी के साथ रहूंगी, क्या कमी है गंगा दीदी में जो आज तक आपको अच्छी ही नहीं लगी। इस पर रानी चुप हो जाती। अब गंगा ने उसे घर के सारे काम धीरे धीरे करके सिखा दिए। जमुना को अच्छे से खाना बनाना आ गया, कैसे किसका दिल जीतना है वो सब आ गया, क्योंकि गंगा जो जमुना थी उसमें थोड़ा अहंकार तो था कि माँ ने कभी डांटा नहीं, प्यार प्यार में रहा और काम कभी उससे करवाया नहीं। गंगा बेचारी वक्त की मारी थी, सारे काम सीख गई और उसका व्यवहार भी अच्छा था तो सबका दिल जीत लेती थी। राज्य में भी सब गंगा को बहुत प्यार करते थे। जमुना को लोग उसकी माँ की वजह से कम पसंद करते थे। इसका भी असर जो जमुना पर पड़ा था।
जिससे वह थोड़ी सी घमंडी हो गई थी, लेकिन गंगा के साथ उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। गंगा से वह सारे काम सीखकर और तीज का त्योहार जब बीत गया तो दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गईं। अब जब ससुराल गए तो गंगा के तो जो सास ससुर बहुत अच्छे थे, उसको तो पलकों पर बिठा कर रखते थे। गंगा सबकी इच्छाओं का ध्यान रखती थी। और उधर जब जमुना गई तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था। जमुना ने भी अब काम करना शुरू कर दिया, सबकी पसंद का ध्यान रखती। धीरे धीरे उसके सास ससुर उससे खुश रहने लगे। अब जो उसका पति था जो कि अय्याश था, अब वह भी जब देखता कि जमुना बहुत सादगी से रहती है, पूजा पाठ करती है, वह उसे लताड़ता धमकाता, फिर भी जमुना चुप रहती। पहले तो वह उसे जवाब देती थी, लेकिन अब वो चुप रहती, कुछ नहीं कहती और मासूमियत से रहती। तो धीरे धीरे जो राजकुमार था उसे भी जमुना की मासूमियत पर तरस आने लगा और वह जमुना की तरफ झुकता चला गया। और धीरे धीरे उनके रिश्ते भी सही हो गए, अच्छे बन गए। अब दोनों में प्रेम हो गया। इसका पूरा श्रेय जमुना अपनी गंगा बहन को देती थी, लेकिन रानी तो यही कहती कि मेरी बेटी का घर बिगड़वाने में गंगा का हाथ है। उसने ही मेरी बेटी को कोई पट्टी पढ़ाई है। मेरी बेटी तो नाजो से पली राजकुमारी थी और आज देखो कितने काम करती है। वह जमुना से बहुत नफरत करती थी, लेकिन गंगा, उसे तो बेचारी को अपनी माँ ही उसे माना था, लेकिन वह तो फूटी आँख गंगा को देखकर खुशी नहीं रहती थी। अब गंगा को जब वह कोसती तो जमुना जब मायके आई तो वह गंगा को कोस रही थी। तो जमुना ने अपनी माँ को दुत्कारा और कहा, माँ तूने तो हमेशा मेरी बहन में सौतेलापन किया है, लेकिन आज मैं अपनी बहन की वजह से अपने घर में रच बस गई हूँ, यह उसी के कारण है। यह सुनकर रानी को बड़ा धक्का लगा और उसे पक्षघात हो गया। तब गंगा आई माँ की खबर सुन के कि माँ बीमार है, तो उसने माँ के पास बैठी तो रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी कहने लगी, गंगा मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी करनी मुझे मिल गई है। देखा आज मुझे पक्षघात हुआ है, शायद ये मेरे कर्मों का फल है। गंगा कहने लगी, नहीं माँ आप ऐसे क्यों कह रही हो। रानी बोली, नहीं बेटी हो सके तो मुझे माफ कर दे। गंगा बोली, माँ माफ करने के लिए मैं तुमसे नाराजी कब हूं, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी माँ माना है। रानी कहने लगी, बेटी तूने तो मुझे माँ माना, लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अब गंगा कहने लगी, नहीं माँ ऐसा नहीं कहते, माँ तो माँ होती है। अब रानी ने रोकर जो गंगा को सीने से लगा लिया। अब रानी दोनों बेटियों को प्यार करने लगी, दोनों का मायके आना जाना हो गया। गंगा ने अपनी मासूमियत से अपनी ससुराल और मायके में अपनी इज्जत बना ली थी। राजा भी बहुत खुश था कि उसकी दोनों बेटियों को बराबर का समान हक मिल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।